दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पड़ोस में इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से गिराया गया है। मैं मानता हूँ कि निश्चित ही व्यक्ति जो है सब कुछ चुन सकता है, अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता। इसलिए जो पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, भारत सरकार बहुत विजिलेंट है और उसको देख रही है कहीं किसी तरह का उसका दुष्प्रभाव भारत में न हो, उसके लिए हम जागरूक हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि भारत में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, जिस तरह से भारत में आंतरिक शांति स्थापित हुई है, भारत में आतंकवाद लगभग लगभग समाप्ति के दौर पर है, भारत से नक्सलवाद सिमटते सिमटते चार जिलों तक रह गया, और ऐसे में जो भारत में जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम समर्थ हैं, सक्षम हैं, और आने वाले समय में भारत के हितों को पे समझौता किए बिना भारत की प्रगति और जो है भारत की उन्नति के लिए कमिटेड है।